बड़ौदा के लिए आज नामांकन है, एक जो है उपचुनाव है, किस तरीके से चल भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो है टिकट की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ योगेश दत्त चुनाव जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी, और सोनीपत का ऐतिहासिक जो सोनीपत है ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें योगेश दत्त चुनाव जीतेंगे और सारे प्रदेश में एक विकास के नाम से वोट होंगे। प्रदेश से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे लेके चले थे, उस नारे के साथ प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमारे हमारे इलाके का विकास हो, उस नेतृत्व लेकर आगे बढ़े। लेकिन सर कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि उनका तो ये गढ़ रहा है और वही जो है इस बार ये जो है एक बार फिर से जीतने वाली है, इसको किस तरीके से देखें इन बयानों को? नहीं, दोनों गढ़ों में रमेश कौशिक यहाँ से चुनाव जीता और वहाँ से अपना अरविंद शर्मा गढ़ से ही चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे ही यहाँ से ही चुनाव जीते हैं। सर अभी तक अगर बात करें, कांग्रेस ने जो है टिकट जो है बंटवारा कांग्रेस की तरफ से नहीं हो पाया, आज आखिरी दिन है नामांकन का, बट गुटबाजी जो है कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है टिकट बंटवारे को लेकर भी देखने को मिल रही है, किस तरीके से इसका जो है असर जो है चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, उनका असर कांग्रेस की प्रथा ही पुरानी रही है, इस तरह के हालात रहे, ये परिवार के अलावा कहीं बाहर नहीं जा सकते, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस की परंपरा अपने परिवार से बाहर ही निकलती गई। एक अंतिम प्रश्न सर, किसान बिलों को लेकर भी पूछेंगे, किसानों को लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि किसान बिल जो है उससे जो है किसानों का फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होने वाला है। किसानों को तीन जो हुए ऐतिहासिक लाभ होगा और किसानों को सबसे बड़ा लाभ इस बिल का होगा। पहले लोगों ने GST का जैसे विरोध करा था, और जो तीन विधेयक जो किसान जो बिल पा, सबसे बड़ा लाभ किसानों को होगा, आने वाले 2022 में किसानों को दोगुना लाभ होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की, और लगातार जो है तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि बड़ौदा में जो है एक बार जो है इतिहास बदलता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं जो योगेश्वर दत्त है बीजेपी के उम्मीदवार, वो जो है कहीं ना कहीं जो है चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे।